So if you are looking for a camera bag in a budget, then this is the right video for you. Hello, my name is Zephy and welcome back to my YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वाइल्डक्राफ्ट की तरफ से आने वाला कैमरा शटर बैग, जो कि एक बहुत ही बजट प्राइसिंग के साथ आता है और कुछ बहुत ही अमेजिंग फीचर्स आपको ऑफर करता है इस प्राइस रेंज में। सो इस वीडियो को मैं चार पार्ट में रखूंगा। पहला इसके फीचर्स एंड बिल्ड क्वालिटी, सेकंड द थिंग्स विच आई लाइक अबाउट दिस बैग, थर्ड द थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस बैग, एंड फोर्थ मैं किसको रिकमेंड करूंगा और मेरा एक्सपीरियंस इस बैग के साथ कैसा रहा, क्योंकि मैं इसको लास्ट 2-3 वीक से यूज कर रहा हूँ। तो चलते हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसके फीचर्स। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में वाइल्डक्राफ्ट ने इस बैग में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम किया है। आपको बिल्ड क्वालिटी में कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है। जो इसका प्राइस है ये उसको प्रॉपर जस्टिफाइज करता है। यानी कि इसकी अगर आप मेन कंपार्टमेंट की पैडिंग देखें, इसके शोल्डर के पैड देखें, इसकी बैक सपोर्ट देखें, एंड इस बैग की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको इसमें कोई भी इशू नहीं मिलेगा। आपका गियर, आपके कैमरा, आपका लेंस बहुत ही सिक्योरली इसके अंदर रहेगा। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में 10/10 वाइल्डक्राफ्ट हेड्स ऑफ। नाउ बात करते हैं इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स। तो ये बैग वाइल्डक्राफ्ट ने फोटोग्राफर्स को ध्यान में रख के बनाया है, तो इसकी वजह से इसमें कुछ अमेजिंग फीचर्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। लाइक तो इसका जो मेन कंपार्टमेंट है उसमें उन्होंने साइड से क्विक एक्सेस का ऑप्शन दिया। यानी कि अगर आप अपना कैमरा अंदर रखते हैं बिना बैग को उतारे ही साइड से आप अपना कैमरा निकाल सकते हैं, जो कि अगर आप रन एंड गन शूट करते हैं या सिटीस्केप या स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग फीचर है। सेकेंड फीचर इस बैग का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इसके डेडिकेटेड पाउच और स्लॉट फॉर कैमरा बैटरीज एंड कैमरा मेमोरी कार्ड। तो इन्होंने वाइल्डक्राफ्ट ने इसमें बहुत ही अमेजिंग जॉब की है। इसका जो अपर कंपार्टमेंट है यानी कि हेड कंपार्टमेंट जो है इस बैग का, उसके अंदर उन्होंने दो स्लॉट दिए हैं, एक मेमोरी कार्ड के लिए जिसमें आप 3 मेमोरी कार्ड आराम से रख सकते हैं, और एक जिप लॉक दिया है जिसमें आप कैमरा बैटरीज रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। एंड एक फीचर तो नहीं, इसकी बहुत एक अच्छी बात है इस कैमरा बैग की, इन्होंने कि हर जगह पे इन्होंने छोटे छोटे टैग दिए हैं जिससे इंडिकेट कर रखा है कि ये कंपार्टमेंट किस लिए बना है। कोई फीचर नहीं है बट देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि अगर आप बैटरी कंपार्टमेंट देखेंगे एक छोटा सा टैग मिलेगा बैटरी बना हुआ, ऐसी मेमोरी कार्ड पे, ऐसी मेन कंपार्टमेंट में, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अमेजिंग लुक देता है। तो ये भी एक अच्छा काम है, गुड जॉब वाइल्डक्राफ्ट। तो बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स इसमें सारे अवेलेबल हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2, द थिंग विच लाइक अबाउट दिस बैग। तो जैसे मैंने पहले बोला, बिल्ड क्वालिटी इस कैमरा बैग की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। द सेकंड थिंग अबाउट दिस बैग विच आई लाइक वो है इसका लुक। कैमरा बैग के साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है इसका लुक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बल्कि और कुछ अलग ही डिज़ाइन के होते हैं। ऐसा लगता है किसी ने बैग पे एक टर्टल रख दिया है, गोल से कुछ उठे हुए, कुछ ज़्यादा मोटे, कोई लाइक उनका जो लुक है वो कभी इतना स्लीक आता ही नहीं है। कि अगर आप एक बजट बैग बाय करते हैं तो वो अलग से दिख जाता है कि एक कैमरा बैग है। उनके लुक बहुत ही ज़्यादा जेनरिक टाइप के, बहुत ही बल्कि होते हैं। बट दिस बैग की एक सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसका लुक। एक बजट प्राइसिंग में आने के बाद भी जो उसका ये जो लुक ऑफर करता है एक मैट ब्लैक फिनिश के साथ, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑरेंज एक्सेंट कलर, बहुत ही अमेजिंग लुक देता है। थर्ड थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस बैग, ब्रीदेबल बैक फैब्रिक। जो इसकी बैक साइड है बैग की, उसका जो फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल है। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा एयर जाने के लिए जगह है, और वो बहुत ज़्यादा इन्होंने कोई वॉर्टेक्स टेक्नोलॉजी समथिंग कुछ ऐसा उसको मेंशन किया हुआ है, आई डोंट नो वो क्या है, बट अगर आप इसको वेयर करेंगे तो आपके बैग में हमेशा एयर जाती रहेगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्वेट नहीं आता है और बैग लॉन्ग टाइम पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। प्लस इसके जो बैक साइड है उसमें प्रॉपर उन्होंने सपोर्ट दिया है आपके L1 L2 के लिए, आपकी बैक के लिए, आपके शोल्डर के लिए। तो इसमें जो सपोर्ट है पीछे बहुत ही ज़्यादा कुशन है बट स्टिफ है उसके साथ साथ, जैसे कि आपकी जो बैक की शेप है वो ख़राब ना हो और आपकी बैक को भी इतनी प्रॉब्लम ना हो। सो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने डेडिकेटेड इसमें प्रॉपर बैक सपोर्ट के साथ साथ एक ब्रीदेबल कुशनिंग भी दी है, जिससे कि आप लॉन्ग आवर्स में गर्मी में इस बैग को ईजिली पहन के फोटोग्राफी कर सकें। फोर्थ थिंग जो इतनी बड़ी नहीं है बट स्टिल आई लाइक इट, के इन्होंने आगे जो आपके शोल्डर स्ट्रैप होते हैं उनको बकल अप करने के लिए आगे एक बकल दिया है, जिससे कि आपकी जो स्ट्रैप है वो स्लिप ना हो। अगर आप कैमरा स्ट्रीट पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार बैग को एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, वो एक जगह पे ही टाइट हो जाए। एक वन मोर थिंग विच अबाउट दिस बैग जो मुझे बहुत ही सही लगी वो है इसका हेड कंपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर इलास्टिक स्ट्रैप होना। यानी कि अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क आप लेके कैरी कर रहे हैं
तो बार बार आपके बैग में हिले डुले ना, उन्होंने ऊपर एक स्ट्रैप दिया है आपके हेड कंपार्टमेंट में, आप उसकी अपनी हार्ड डिस्क को बहुत ही सिक्योरली वे में उसके अंदर रख सकते हैं, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस बैग। सबसे पहला इसका ट्राइपॉड कंपार्टमेंट, इसमें ट्राइपॉड कंपार्टमेंट उन्होंने दिया है, या तो आप उसमें वाटर बॉटल रख सकते हैं या आप उसमें ट्राइपॉड कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेकंड साइड में क्विक एक्सेस के लिए उन्होंने जिप दी है, तो उस साइड पे कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है, इसके एक ही साइड में कंपार्टमेंट है। नीचे उसमें क्लोथ है, ऊपर उसमें इन्होंने नेट की पैडिंग दी है, उसके ऊपर इन्होंने एक स्ट्रैप दिया है अगर आप कोई ट्राइपॉड रखते हैं तो उसको टाइटली सिक्योर करने के लिए। सो इशू उसमें थोड़ा ये आता है कि अगर आपको मीडियम साइज़ का, लार्ज नहीं, अगर मीडियम साइज़ का भी कोई ट्राइपॉड है तो उसमें थोड़ी सी इशू हो सकते हैं आपको कैरी करने में, क्योंकि बैग इतना बड़ा नहीं है, मैंने आपको बताया बहुत ही कॉम्पैक्ट बैग है, तो ट्राइपॉड थोड़ा बड़ा लगता है और उस पॉकेट में सही से कैरी नहीं हो पाता। अगर आपके पास मिनी ट्राइपॉड है तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, आप उसको ईजिली कैरी कर पाएंगे। बट स्टिल जो मेरा ट्राइपॉड है डिजिटेक का 520BH, अच्छा खासा बड़ा ट्राइपॉड है, वो फोल्ड भी हो जाता है, स्टिल मैं उसको कैरी कर लेता हूँ क्योंकि उसमें वो मैंने बताया एक बकल दे रखा है, तो आप ट्राइपॉड को पॉकेट में रख के उस बकल से टाइट कर ले तो इतना कोई इशू नहीं आता है। बट स्टिल अगर थोड़ी सी पॉकेट डीप होती हो, थोड़ी बड़ी होती प्रॉपर ट्राइपॉड के लिए, बड़े ट्राइपॉड के लिए, तो ये और भी अच्छा रहता। सेकंड थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस बैग वो है इसकी थोड़ी सी इस कंपार्टमेंट की कमी, यानी कि इसमें सिर्फ तीन ही जिप मिलती है, एक मेन कंपार्टमेंट जिसमें आपका सारा कैमरा गियर रहेगा, एक ऊपर जिप मिलती है छोटी सी, वो बहुत ही छोटी है, उसमें कॉइन्स या आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इससे ज़्यादा आप कुछ कैरी नहीं कर पाएंगे। एक ऊपर हेड कंपार्टमेंट है जिसमें आपकी मेमोरी कार्ड, बैटरी और एक अंदर कोई हार्ड डिस्क या कुछ रखने के लिए एक स्पेस दे रखा है, तो वो भी अच्छा है। बट एक दो जिप और साइड में होती जिसमें आप थोड़ा बहुत कुछ रख पाते या केबल्स वेबल्स जो आपके लिए एक्सेस करनी होती है तो बेटर रहता, बट स्टिल तो ऐसा कुछ इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। ये भी थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा, बट इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, अगर दे देते तो अच्छा रहता। और ऐसी कोई खास इसमें कमियां बड़ी है नहीं क्योंकि कैमरा सेंट्रिक बैग है, तो इन्होंने फोटोग्राफी के हिसाब से सारे फीचर्स इन्होंने दिए हैं। नाउ चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किसको ये रिकमेंड करता हूं। तो 3-4 वीक यूज़ करने के बाद इस बैग को जो मुझे आइडिया लगा है कि अगर आप एमेचर फोटोग्राफर हैं और मीडियम लेवल तक की फोटोग्राफी करते हैं या क्लाइंट वर्क करते हैं, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोफेशनल गियर नहीं है, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े लेंस नहीं है या वाइल्ड फोटोग्राफी नहीं करते हैं, तो आप इस बैग का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक कैमरा बॉडी या दो कैमरा बॉडी और दो लेंस ये ईजिली कैरी कर सकता है, या तीन लेंस और एक कैमरा बॉडी ये ईजिली कैरी कर सकता है, या आपका जो एंट्री लेवल के जो जूम लेंस आते हैं 70-300 वो आप इजीली इसमें कैरी कर सकते हैं। तो मीडियम से लेके बिगनर के लिए ये बैग परफेक्ट है। अगर आप सिटी एक्सप्लोर करने के लिए जिसमें आपको बस एक लेंस या एक बॉडी की ज़रूरत होती है, उस टाइप के वर्क के लिए बैग परफेक्ट है, आप इसे आग बंद करके बाय कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस चैनल पर ऐसे ही फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी रिलेटेड कंटेंट आता रहता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन शूट व्हाट मेक यू हैप्पी।